वेरी गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स कन्वा थ्राइविंग। और आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आज सुबह की चाय के बाद आपसे अब मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज है एक बहुत ही स्पेशल डे। जी हाँ, आज है मेरी एनिवर्सरी एंड हैव कम्प्लीटेड सक्सेसफुल 11 ईयर्स विद माई पार्टनर। सो आज के पूरे दिन में अब क्या क्या है आगे वो आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले हम पहुँचे सीपी के हनुमान मंदिर, क्योंकि हनुमान जी और भगवान जी का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। ये 11 सक्सेसफुल साल एक दूसरे के साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ निभाए हैं, और इसमें ऑब्वियसली भगवान जी का हाथ और आशीर्वाद हमेशा बना ही रहा है। तो बस फटाफट से दर्शन किए, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। हनुमान मंदिर के पास ही ये मल्टी लेवल पार्किंग है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी फैसिनेटिंग सी लगी। इसमें जो कार्स का आने और जाने का तरीका है ना, बहुत ही अमेजिंग है। एंड दे इवन कॉल इट लाइक लिफ्ट, दिस इज़ नॉट एनी बेसिक वन। आप देखिए यहाँ पर लिफ्ट लिखा है, अब देख यहाँ पर किसी और की कार आने वाली है, मैंने उसे कैप्चर किया है। तो इस तरह से आप अपनी कार को यहाँ पर रखते हैं, स्लाइडर से स्लाइड होती है गाड़ी और उसके बाद नीचे चली जाती है। एंड वैन यू गिव द टिकट, गेट द मनी, गिव द मनी, उसके बाद धीरे 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 आपकी गाड़ी जो है लिफ्ट से नीचे आती है। अभी आप देखते रहिए कितना जादुई तरीके से गाड़ी नीचे आएगी, मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कैप्चर करते हो। देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। जब तक हमारी गाड़ी आई वहाँ पर मैंने 2-3 गाड़ियाँ ऐसे देख रही थी खड़े होकर, जैसे किसी फेरी लैंड में हुआ कुछ एकदम नया इंजीनियर। ये देखिए आई गाड़ी नीचे, तो ये हमारे साथ जो वेटिंग में थे उनकी गाड़ी है और ये नीचे आ गई है सेफली। इसके बाद हम पहुँचे सीपी में जीटी रोड। इट्स अ वेरी अमेजिंग फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। हमने यहाँ बुफे लिया था, आई मीन्स वॉज गुड, बट सिंस इट वॉज अ संडे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा शोर था। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज़ें रखी हुई थी, इन बर्नियों में थे कुछ यमी यमी अचार, बीच में आपने ये जो है यहाँ पर हमारा ग्रिलर आने वाला था, बारबेक्यू ग्रिलर। अलॉन्ग विद दिस दे हैड गिवन, ये सबसे पहला स्टार्टर मोमोज, बहुत ही नाइसली मेड था। उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टार्टर्स आने लगे। ये मैंने कुछ पनीर टिक्का और मशरूम ख़त्म किया, एंड मेरा फेवरेट पाइनएप्पल वाज सर्व्ड लाइक दिस, बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाया हुआ था। देन हमने बटर लिया, बटर ब्रशेज ये सब आपके साइड में अवेलेबल होते हैं, एंड देन आप अपना बारबेक्यू करते जाइए, और आपको कुछ ऐड ऑन करना है बटर्स एंड सॉसेस तो वो आप कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पहुँचे इनके बुफे स्प्रेड को देखने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये था चाट का कॉर्नर, पास्ता का कॉर्नर, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर सारा मेन कोर्स स्प्रेड लगा हुआ था, वेज नॉन वेज, देयर वाज अ वैरायटी ऑफ डिज़र्ट्स। इतने सारे नॉन वेज और इतने सारे वेज के आइटम्स थे, तो आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो हमने एक वेज आइटम लिया था और एक नॉन वेज प्लेटर बुफे लिया था। सो आई सिंस आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई हैड माई गट फिल्ड विद द वेजिटेरियन बफे। देन आई ऑर्डर दिस अनार की, नहीं अनानास की बहार, दिस वॉज अ मॉकटेल दैट आई हैड टेकन। देन आई वॉज अलॉन्ग विद ईटिंग ऑल माई मेन कोर्स, साग, पिकल्ड टमेटोज, एंड देयर कम्स द डिज़र्ट, माई फेवरेट पार्ट। और एंड में ये देखिए ये मुकवास भी कितना सारा दिया उन्होंने। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स कन्वा थ्राइविंग। और आज है 16th of January। और कल थी मेरी एनिवर्सरी, आज से स्कूल रिज्यूम हो चुके थे, बट माई सन डिड नॉट गो टू डे, बिल्कुल अभी रिज्यूम में आया नहीं है बच्चे। आज से होपफुली दिस रूटीन विल बी सेटअप अगेन, सो दैट कल से ही कैन गो बैक टू स्कूल। एंड आज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सनी मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और अच्छी धूप है, तो एक्चुअली धूप देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और कल का दिन वॉज अमेजिंग, एंड आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग कि कल क्या क्या हुआ था, मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। एंड
आगे आज क्या क्या करते हैं देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। दो दिनों से घर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बस वीकेंड एंजॉय हो रहा है। और आप देख ही सकते हैं हालत घर की, सब जगह कपड़े फैले हुए हैं, बेड भी अभी तक नहीं मैंने बनाया, नीचे यहाँ अभी के टॉयस फैले हुए हैं। तो क्विकली घर को साफ करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना पहला वाला फूल जो है वो डाल दिया, मैं अपने ब्लैंकेट की प्रॉपरली इसको भी तय लगाकर इस हिसाब से रखूंगी कि अगर हमें दिन में लेटना हुआ तो हम इसे फटाफट ओपन करके यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बार आपका घर स्पिन स्पैन हो जाता है ना तो आपको भी एनर्जी मिलती है काम करने की, वरना सब कुछ फैला रहे तो आपको भी आगे सब फैलता है। और जनरली सैटरडे संडे की यही प्रॉब्लम और कहानी होती है हमारे लिए, कैसे होता है जैसे आज ना छुट्टी है वो आज दो दिन की छुट्टी लेके फिर आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मंडे को, तो वो मेरे साथ होता ही है ऑलमोस्ट एवरी डे। बट ठीक है, लाइफ को लोड लेके जी नहीं सकते, यू नीड टू गो ईजी एट लाइफ, काम तो रोज होना ही है, करते ही हैं। तो आप ये देखिए बिल्कुल घर जो है मैंने वापस एकदम सेट कर दिया, यहाँ पर जो मेस था वो हट गया और यहाँ पर जो मेस था वो हट गया है, बस कुशन कवर से कवर डाल के मैं उनको बेड पर लगा दूँगी। सो माय बेड इज़ एब्सोल्युटली रेडी। अब बारी आती है लिविंग रूम की, लिविंग रूम पूरा का पूरा फैला हुआ है। सो या तो मैं इसको ड्राई होने के लिए प्लांट्स में डाल दूंगी, प्लांट में डल जाएगी अच्छे से ड्राई हो जाएगी। ये लड्डू एक्चुअली मेरी मदर लॉ लाई थी, तिल और गुड़ के लड्डू, तो हमने बहुत सारे खाए हुए, थोड़े से बचे हैं, आई विल कीप देम इन द बॉक्स और ये फिर यूटिलाइज होते रहेंगे। ये कल का प्रसाद है, तो ये सब चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह से रख देते हैं। अच्छे से धूप लग के अंदर आ गए क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना मैंने स्टैंड लिया है, जब से स्टैंड लिया ना आई एम टेलिंग यू मेरी लाइफ इतनी सॉर्टेड हो गई है, इतने सारे कपड़े एक साथ सूख जाते हैं कि पूछिए। हैंडबैग कल जो लेके गई थी आके बस सोफे पे रख दिया, बिकॉज हम आए इतनी लेट थे, अब कोई टाइम ही नहीं बचा था कि मैं कुछ भी चीज जगह से रखूँ। फोटो करते हैं, सनलाइट दिखाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने अपना एक स्टेशन बनाया हुआ है, बहुत अच्छे लगता है मुझे ये। दीज वर द थिंग्स, ये मैं जैसलमेर के ट्रिप पे गई थी तब वहाँ से लेके आई थी, बहुत ही नाइसली डन है और हैवी है, ये गिरने से भी टूटते नहीं है, बट आई स्टिल कीप देम वेरी नियरली एंड डियरली टू माई सेल्फ कि भाई एक्चुअली आप इतनी हर रोज़ एक जगह पे नहीं जाते हो ना, कभी कभी जाते हो, तो ये सब चीज़ें अगर आप ला रहे हो कलेक्टेबल्स तो इनका प्यार से ध्यान रखो। एंड ये है मेरा राइटिंग स्टेशन, इस पर आपको जो मैं कोट्स लिखती हूँ वो यहाँ पर लिखती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। And that's how I've kept very minimum. और ये basically हमारा नीचे shoe rack है, उसके ऊपर ये मैंने पूरा अपना एक corner बनाया हुआ है जिसमें मैं अपनी चीज़ें से जाके रखती हूँ। मेरा dusting glove, ये मुझे बहुत पसंद है और इतना आसानी से चीज़ें इससे साफ़ होती हैं, ऐसा लगता है कि आपके हाथ से ही हो रही हैं, और हाथ से जिस तरह से हम चीज़ें साफ़ करते हैं ना उसका कोई जोड़ और तोड़ ही नहीं है कोई, और इतना सॉफ्ट है, तो आपकी ये जितनी महंगी महंगी डेलिकेट चीज़ें होती हैं उनको भी कोई हार्म नहीं होता। तो यहाँ से जो हटाना था वो हटा दिया है, डस्टिंग कर दी है चीज़ों पर और डस्ट करके आई एम कीपिंग देम इन प्लेस। तो घर जो है वो पूरा साफ हो चुका है, स्टैंड वापस रख देते हैं जगह पे,
I'll show you. सारा घर साफ है, टेबल पे सिर्फ टिश्यू पेपर्स एंड थोड़े से डेकोरेटिव्स हैं. ये अंदर जाएगा सामान, बाकी ऑलमोस्ट सब डन है. डस्टिंग हो गई है. तो अब बारी आ गई है किचन की. किचन में मैं पहुंच चुकी हूँ. थोड़ा सा पहले पानी पिएंगे, हम वेरी थर्स्टी, और उसके बाद जो है हम काम करेंगे बाकी सारे. तेज वाली प्यास लगती है यार जब, तो आप रोज भूल जाते हो कि बैठ के पानी पीना चाहिए, ऐसे घुट घुट करके पानी नहीं पीना चाहिए. लेकिन बहुत तेज वाली प्यास के आगे ना यार कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता है, तब तो बस पानी चाहिए होता है क्विकली, ताकि आप फटाफट से प्यास को अपनी सेटल कर पाओगे. ये काम प्लान मेरा बेटा पूछा है, इस बॉक्स में रख के अलमीरा उसमें सेट करेंगे. और ये माला एक्चुअली बाहर जाएगी, तो उसको साइड में रखेंगे ताकि सुबह में बाहर निकलेंगे तो साइड में. क्योंकि वॉशिंग के डब्बे हैं, खुली भी पड़ी है, तो उनको फटाफट से डब्बे बंद कर देंगे. ऐसे जब आप एक सिरे से काम शुरू करते हैं तो हो भी पाता है, वरना हम कंफ्यूज ही रहते हो कि कौन सा काम शुरू करें और कौन सा खत्म करें. इसलिए कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आप एक सिरा पकड़ सफाई शुरू करें और एक 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 करके आप जो है अपना काम फिनिश करें, टाइम भी कम लगता है और चीजें थोड़ा ना शॉर्ट तरीके से फिट हो जाती है. तो ये बर्तन थे, धुल गए हैं, ड्राई हो गए होंगे, तो मैंने लगा दिए. सेटल हो चुका है, उसको वापस जगह पे लगा दिया मेरे बच्चों को पाने. इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा, बट इन केस आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपने दिमाग को प्रिपेयर कर सकूं कि हाँ नॉर्मल हो गया. वरना पता नहीं यार, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है अभी भी. आपसे गप्पे लड़ाते लड़ाते मेरा काम हो जाता है. हाँ बहुत खुश होते थे, मेरा काम हो जाता है ना इतनी तेज़ी से, एकदम सुपर वूमन की स्पीड में काम होता है जब मैं आपसे बात करती हूँ. अगर ना धीरे धीरे, अब बस अबीर का रूम बचा, अब वो कभी भी मैं अबीर के सामने नहीं करती क्योंकि वो करने नहीं देगा. ये यहाँ से वहाँ से रख दिया आपने, वहाँ से जस्ट बिकॉज वो वहाँ बैठा है ना, इसलिए कुछ ना कुछ बोलता रहेगा वो. तो वो एक बार अपने रूम से इधर उधर होगा, सोएगा दोपहर में, दैट टाइम आई एम गोइंग टू पुट हिम टू क्लीनिंग. उसके रूम को अच्छे से साफ कर दूंगी मैं उस टाइम. चलिए अभी मैं ना क्विकली सूजी के चीले बनाने वाली हूँ, उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ दोपहर में दाल चावल बनेंगे, तो
तो बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो पीपल नहाना धोना हो गया, लंच रेडी है, फटाफट लंच करेंगे। लंच में मैंने बनाया है, आपको दिखाते हैं। यम्मी सी दाल, अरहर की दाल बनाई है एंड यहाँ बनाया मैंने राइस। तो बस क्विकली यही आज लंच करेंगे, बिकॉज दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा तला भुना खाया जा रहा है। तो आई थिंक लोहड़ी के टाइम से ही हम लोग लोहड़ी भी क्या जिस दिन संक्रांत थी, संक्रांत नहीं यार क्या कहते हैं सकट चौथ, सकट चौथ के दिन से फ्राइड खाना खाया जा रहा है। जिस दिन फास्ट था तो पक्का खाना बना था, उसके बाद के बाद भी थोड़ा बहुत फ्राइड फ्राइड चल ही रहा था ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग। तो और कल भी रात को भारी डिनर किया था, वो भी ज़्यादा हो गया था। फिर लोहड़ी के फंक्शन के लिए बाहर चले गए थे, वहाँ भी हेवी फूड था। तो मैंने कहा टाइम अभी बेसिक एकदम दाल चावल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा लाइट लंच लाइट डिनर करे तो ज़्यादा अच्छा है। रात के लिए मैंने सोचा कि अरबी बनाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए मैंने अरबी नहीं खाई और मैंने मंगाई भी हुई है, तो वही बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद खाना खाने के थोड़ी देर बाद फ्रूट्स खाएंगे, आज एक्चुअली हमारा फ्रूट ब्रेक हुआ नहीं तो फ्रूट खाएंगे। तो ये हो गई मेरी प्लेट रेडी, ऐसी प्लेट रेडी। येलो येलो दाल और वाइट चावल ना इतना सुंदर सा कॉम्बिनेशन लगता है देखने में। सो पीपल टाइम हो गया है 5:30 का, शाम की चाय का टाइम हो गया, फिर चाय बनाते हैं। ठंड बहुत लग रही है क्योंकि हेड वॉश किया था और मेरे को ना यहाँ एग्जैक्टली यहाँ और यहाँ काफ़ी दिनों से पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे ब्लड फ्लो ऊपर नीचे होता है, मतलब मैं सर ऊपर करूँगी या सर नीचे करूँगी तो ब्लड फ्लो के साथ साथ दर्द हो रहा। सो एज आई वाज सेइंग, मैंने कोई मेडिसिन या कुछ भी लिया नहीं है सच, तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया मैंने अपना, जो मैं मतलब टेंशन में आ जाऊँगी अरे मैंने सब कर लिया और कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ करा ही नहीं है तो कैसे होगा ना। मैं सोच रहा हूँ आज या तो स्टीम लेके देखती हूँ, हो सकता है कि हेड वॉश किया हो पीछे जब तब ठंड बैठ गई हो। जैसे उस दिन आई वॉज टेलिंग यू ना कि सकट चौथ वाले दिन मेरे को बहुत ठंड लग रही थी और मैंने अपने बालों को ड्रायर से सुखाया था, तो मेरे को उस दिन बहुत ही इंटेंस ठंड लगी है, हो सकता है कि उस दिन हो। तो चलिए कुछ चाय बना, रख दिया मैंने अपना पानी, इसमें खूब सारी अदरक डालूंगी, मुझे अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। अदरक डालेंगे, चाय डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे और बढ़िया से चाय रेडी करेंगे। निकाल लेते हैं फिर, अदरक बाहर पड़ी रहती है ना तो इजी रहता है निकालने में ना, ऐसा लगता है ए, अदरक कौन निकाले। ऐसे ही मेरे को डब्बे वब्बे भरने में भी बड़ा गुस्सा आता है, जैसे रिफिलिंग वो भी मुझे बहुत अजीब काम लगता है, बट करना तो हमको ही है, नो अदर हेल्प। एंड आई फील कि कितने फॉर्चुनेट होते होंगे ना वो लोग जिनके घर में डब्बे वब्बे। एक सेकेंड मैं आपको यहाँ आराम से स्टैंड पे रखती हूँ फिर आपसे बातें करती हूँ। हाँ तो आई वॉज थिंकिंग कि कितने फॉर्चुनेट होते होंगे वो लोग जिनको डब्बे वब्बे भरे हुए मिलते होंगे या फिर चाय भी बनी बनाई बढ़िया टेस्ट की मिलती होगी। मैं ना थोड़ी फिनिकी हूँ, मुझे अपने हाथ की चाय इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि जिस तरीके की चाय मैं पीती हूँ वो हर कोई बनाता नहीं है, और गंदी गंदी सी चाय पी के ना यार मेरे को अच्छा मूड नहीं रहता, खराब सा रहता है। और ये जो स्टोल है बहुत गर्म है एंड दिस इज़ फ्रॉम मनाली, मैंने नहीं लिया है, इट इज़ गिफ्टेड टू मी बाय माय सिस्टर, वो गई थी जब मनाली तब लेके आई थी। एक्चुअली कुल्लू और मनाली के जो शॉल होते हैं ना बहुत अच्छे गर्म होते हैं और काफ़ी हैवी ड्यूटी होते हैं एकदम स्टर्डी से, क्योंकि मुझे याद तक याद है कि मेरी दादी और मम्मी और बुआ के पास ना शॉल्स जो है वहाँ के वो आज तक है उनके पास, और उन्होंने मतलब हम लोगों के लिए बचपन में ही ले लिए थे एज द एज, तो हमें शादी में भी ये हमारी मेरी सिस्टर के रखे हैं अभी भी, उसको भी देंगे तो वही है अच्छे होते हैं वो, ऐसे वाले नहीं होते कि आज लिए कल बेकार, इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर। मेरी दादी के तो कितने सारे शॉल हैं अभी जो अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में है क्योंकि वो अच्छे भूल के लिए गए हैं। सो आई थिंक ये ना चीज़ है, जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि यार आपने इतने पैसे क्यों दिए इस चीज़ के, ये तो इतने में भी मिल जाती है, पर तो डिफरेंस वही आ जाता है क्या, मिलने को तो आम भी 10 तरीके के रुपयों में मिलता है ठीक है, क्यों अल्फांसो सबसे महंगा है
या फिर अच्छी कैटेगरी का दशहरी आम महंगा क्यों आता है, कुछ रीजंस होंगे ना उसकी, दैट इज वाई. तो सेम गोज विद एवरीथिंग, जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास होगी चीज़ों में. ऐसे ही मेरे बेकिंग के बिजनेस में भी लोगों के क्वेरीज आते हैं ना, बड़े अजीब लगते हैं यार. मार्केट से तो हम लेते हैं तो हमें इतने में मिल जाता है केक, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत करी है उस डिज़ाइनर केक के ऊपर, या आपने प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करे, आपने मार्जरिन से नहीं बनाया, आपने वो प्री पैक्ड जो एकदम चीनी से भरा हुआ स्लशेस होते हैं, स्क्वैशेस होते हैं, वो डाले नहीं आपने, फ्रेश प्रोक्योरमेंट को प्रॉपरली एकदम बैलेंस करके मीठा करके उन चीज़ों की सॉसेस बनाई, वो नहीं समझ आता लोगों को. पर ऐसा नहीं कहूँगी हर एक को समझ नहीं आता, एक टिपिकल मार्केट होती है जो कुछ लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते. उनको तो ये दिख रहा है कि ये सफ़ेद है ना, तो वो सामने वाली चीज़ भी सफ़ेद है, तो दोनों सफ़ेद का रंग सफ़ेद है तो उसका दाम भी एक होना चाहिए, पर आइडली ऐसा होता नहीं है. तो चलिए आप लोग बताइएगा यार कि ठंड मुझे लग रही है या सच में अभी भी ठंड है. बीच में वो कोल्ड वेव का सीन भी था पर मुझे लग नहीं था कोल्ड वेव आई है, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर जो हम देख रहे हैं ना, टेम्परेचर उतना नीचे नहीं गया अभी भी, तो कह नहीं सकते कि कोल्ड वेव आई है या नहीं आई है. और मैंने बहुत दिनों से अपने बादाम वगैरह नहीं खाया अभी, तो बस मैं क्विकली अपने यहाँ पर चाय बन गई है, छान लेंगे. देखिए धुआं, आज अच्छी टेबीर को मैंने सलाया नहीं है ताकि वो कल के स्कूल जाने के रूटीन में आट रखे, वरना बच्चे उल्टा सीधे टाइम पे सो रहे हैं और उल्टा सीधे टाइम पे जग रहे हैं और स्कूल जाने की हैबिट में आ नहीं पा रहे हैं. तो आज दोपहर में ना तो अभी सोया है ना तो मम्मा सोई है, हम दोनों जगे हुए थे. तो ये रही मेरी चाय, मैं क्विकली से फिनिश करूँगी और फिर मिलूँगी आपसे.